हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो इस वीडियो में हम योगा ऐप को क्रिएट करने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था योगा ऐप का इंटरफेस कैसा होगा, तो इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं एंड एक एक एक्टिविटी को मैं क्रिएट करके बताने वाला हूँ। बट इस वीडियो में हम सिर्फ स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट करने वाले हैं, हम एक एक स्टेप से बढ़ने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में सिर्फ स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में चला जाता हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो में जाने के बाद मैं स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से आपको एम्प्टी एक्टिविटी चूज करनी होगी एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ से आपको नेम एंटर करना होगा प्रोजेक्ट का। तो मैं यहाँ से योगा लिख देता हूँ, योगा डेमो ऐप एंड यहाँ से आपको पैकेज नेम चेंज करना होगा, क्योंकि एक ही पैकेज नेम प्ले स्टोर में एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है पैकेज नेम यूनिक रखना है आपको। एंड सेव लोकेशन, अगर सपोज आपका प्रोजेक्ट जो भी कोड रहेगा आपको चेंज करना होगा तो आप कर सकते हो यहाँ से। एंड लैंग्वेज आपको यहाँ से जावा चूज कर लेनी है एंड मिनिमम SDK हो सके तो आप आइसक्रीम सैंडविच ही रखें, क्योंकि 100 डिवाइस में ये अवेलेबल है, मीन्स 100 डिवाइस में हमारा ऐप रन हो सकता है। सपोज आप इनमें से सपोज हम लॉलीपॉप को ले लेते हैं, सॉरी किटकैट को ले लेते हैं, तो सिर्फ 98.1% डिवाइस में ही रन होगा और आइसक्रीम सैंडविच जो होता है वो 100% डिवाइस में रन होगा, इसलिए आपको आइसक्रीम सैंडविच को ही चूज करना है। तो मैं यानी अभी फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ से लोडिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा एंड ग्रेडल बिल्ड थोड़ी देर में फिनिश हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं ग्रेडल फील्ड फिनिश होने तक। तो आप देख सकते हो ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है इन 8 सेकेंड। तो अभी हम इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करनी है। तो स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से एक्टिविटी क्रिएट करनी होगी। तो मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक्टिविटी चूज कर लेता हूँ। जैसे हम एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एम्प्टी एक्टिविटी चूज करनी है। एम्प्टी एक्टिविटी में आपको क्या लिखना है, तो स्प्लैश स्क्रीन, ओके स्प्लैश स्क्रीन, ओके भी लिख देता हूँ मैं। ये हमारा जो भी एक्टिविटी रहेगा उसका नेम है एंड लॉन्चर एक्टिविटी पे क्लिक करना है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी ऐप रहेगी उसमें ऐप जो ये एक्टिविटी दिखाई दे रही है यही विजिबल होगी, इसलिए आपको लॉन्चर एक्टिविटी पे क्लिक करना है क्योंकि हमारी ये फर्स्ट एक्टिविटी होती है। एंड मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो बिल्ड सक्सेसफुल इन 3 सेकेंड। तो इसको क्लोज कर देता हूँ एंड अभी हम इस पे वर्क कर सकते हैं। बट आपको सबसे पहले मैनिफेस्ट फाइल में आना है एंड यहाँ से आपको जो मेन एक्टिविटी दिखाई दे रही है इसको कंट्रोल एक से कट करना है एंड स्प्लैश स्क्रीन ओके के ऊपर पेस्ट कर देना है एंड इसको भी कट करना है एंड इसको यहाँ से क्लोज कर देना है एंड आपको यहाँ से एक्टिविटी तक रिमूव कर देना होगा। तो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है। तो सबसे पहले हमारा स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट होगी, उसके बाद हम मेन एक्टिविटी में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अभी हम स्प्लैश स्क्रीन पे कोई भी कोड क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले .xml फाइल में जाना होगा। मैं .xml फाइल में आ चुका हूँ एंड स्प्लिट पे क्लिक करना होगा। जैसे हम स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अभी हमें स्प्लैश स्क्रीन के लिए हमें यहाँ पे कोड लिखना होगा इस स्प्लैश स्क्रीन के लिए। तो चलिए देखते हैं कोड की तरफ। तो आपको सबसे पहले जो कंस्टिट्यूएंट लेआउट दिखाई दे रहा है आपको इसको चेंज करना होगा। मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ एंड रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट कर देता हूँ। देख सकते हो हमने रिलेटिव लेआउट में भी चेंज कर दिया है। बट यहाँ से आपको ध्यान में रखना है बैकग्राउंड भी चूज करना होगा। तो आपको इस इमेज की जरूरत होगी जो आपको पीछे दिखाई दे रही है, वो इमेज की आपको जरूरत होगी। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी हमारे प्रोजेक्ट में इमेज यूज होने वाले हैं तो मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं सबसे पहले उस इमेज को ओपन कर देता हूँ। ये जितने भी आपको दिखाई दे रही है इमेज मैं आपको वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। तो सबसे पहले हम पूरे जितने भी इमेज दिखाई दे रहे हैं सबको हमें कॉपी करना होगा। मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ सब पे, बट आपको डिपेंडेंसी को कॉपी नहीं करना है, कंट्रोल ए से सबको कॉपी करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ओके। मैं अभी प्रोजेक्ट में जाता हूँ एंड यहाँ पे ड्रॉबल में पेस्ट कर देता हूँ। रिसोर्स को ओपन कर देता हूँ एंड ड्रॉबल में पेस्ट कर देता हूँ
कंट्रोल वी से। तो मैं अगेन ओके पे क्लिक कर देता हूँ एंड अगेन ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो जितने भी हमने यहाँ से फाइल्स कॉपी किए थे अभी हमारे प्रोजेक्ट में पेस्ट हो चुके हैं। मैं इसको सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ फाइल मैनेजर को। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम क्लियरली बैकग्राउंड को यूज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड को आपको splash.jpg को यूज करना है, background@splash। ओके, तो आपको सबसे पहले स्प्लैश का यूज करना है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे इमेज व्यू को यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा लोगो आएगा यानी यहाँ पे टेक्स्ट। अभी हमें इमेज व्यू का यूज करना है टेक्स्ट व्यू का। तो मैं इमेज व्यू को क्रिएट कर देता हूँ। इमेज व्यू में आपको विड्थ में 135 dpi रखना होगा एंड सेम नीचे भी हाइट में भी 135 dpi। आपको सबसे पहले इमेज व्यू को आईडी रेफर कर देनी है। तो मैं आईडी सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, आईडी यहाँ से सिलेक्ट करके @ID एप्स फ्लैश। ओके, अभी हमें यहाँ से सोर्स सिलेक्ट करना होगा। जो भी हमारा इमेज रहेगा हमारी इमेज स्प्लैश आइकन रहेगा। तो आप देख सकते हो जो भी हमारी आइकन था वो अभी कम्प्लीटली विजिबल हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे लेके आना होगा इसको। तो सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी। मैं सबसे पहले यहाँ पे अलाइन पेरेंट स्टार्ट कर देता हूँ। अलाइन पेरेंट स्टार्ट ट्रू कर देता हूँ एंड यहाँ से इंटर कर देता हूँ एंड यहाँ से टॉप कर देता हूँ अलाइन पेरेंट टॉप। यहाँ से भी मैं ट्रू कर देता हूँ, इसको एंटर करता हूँ। अगेन आपको एंड करना है अलाइन पेरेंट एंड, इसको भी ट्रू कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा लोगो आ चुका है सेंटर में। अभी हमें यहाँ पे लेके जाना होगा। तो इसके लिए आपको मार्जिन स्टार्ट दे देनी है। मार्जिन स्टार्ट 100 dpi दे देनी है एंड मार्जिन एंड भी आपको 100 dpi दे देनी है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली सेंटर में सिलेक्ट हो चुका है। आपको यहाँ से टॉप से कुछ मार्जिन दे देनी है। तो मैं मार्जिन टॉप 300 dpi दे देता हूँ। तो अभी हमारा कम्प्लीटली आइकन क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। बट यहाँ से कुछ एरर शो हो रहे हैं तो इसको रिजोल्व करने के लिए आपको अल्ट एंटर प्रेस करना है एंड अगेन एंटर प्रेस करना है। अगेन आपको यहाँ पे अल्ट एंटर प्रेस करना है एंड अगेन एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा जो भी एरर था कम्प्लीटली रिजोल्व हो चुका है। अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट व्यू क्रिएट करना होगा क्योंकि अभी हमारा आइकन तो क्रिएट हो चुका है। तो टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट करना होगा। तो मैं टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट कर देता हूँ, रैप कंटेंट कर देता हूँ विड्थ हाइट एंड सबसे पहले मैं टेक्स्ट व्यू की आईडी दे देता हूँ, ID@ID एप नेम। एंड यहां से एंटर कर देता हूं। आपको यहां से टेक्स्ट लिख देना है, टेक्स्ट जो भी आपका ऐप का नेम रहेगा। तो मैं योगा ऐप ही लिख देता हूं। तो योगा ऐप आप देख सकते हो यहां पे टेक्स्ट विजिबल हो चुका है। अभी हमें टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करना होगा। तो मैं टेक्स्ट साइज 35 dpi ले लेता हूँ। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट साइज इंक्रीज हो चुका है। टेक्स्ट स्टाइल को मैं बोल्ड कर देता हूँ एंड टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा। तो मैं व्हाइट कर देता हूँ इसको, FFF। तो आप देख सकते हो अभी योगा ऐप यहाँ पे विजिबल हो चुका है। बट अभी हमें यहाँ पे लेने के लिए सबसे पहले आपको अलाइन पेरेंट बॉटम लिखना होगा क्योंकि ये नीचे आना चाहिए। तो मैं अलाइन पेरेंट बॉटम लिख देता हूँ। अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू एंड अगेन आपको अभी सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू क्योंकि यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। अभी हमें यहाँ से कुछ मार्जिन लिखनी है। तो मैं मार्जिन बॉटम लिख देता हूँ 150 dpi।
तो अभी देख सकते हो अभी हमारा स्प्लैश स्क्रीन क्लियरली क्रिएट हो चुका है। तो आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो अभी हमारा स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट हो चुका है। अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे एक एनिमेशन क्रिएट करना होगा, क्योंकि जैसे हमारी ऐप ओपन होगा तो स्प्लैश स्क्रीन जो आइकन आएगा ऊपर से आएगा एंड जो टेक्स्ट आएगा वो नीचे से आएगा। तो हमें सबसे पहले एनिमेशन डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ। तो रिसोर्स पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करके आपको एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी पे क्लिक करना है एंड वैल्यूज में क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको स्क्रोल करना है ऊपर एंड एनिम पे क्लिक करना है। जैसे एनिम पे क्लिक करोगे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है एनिम के नेम से। अभी हमें यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट करनी होगी, एक अप की एंड एक डाउन की। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ, न्यू पे क्लिक कर देता हूँ एंड एनिमेशन रिसोर्स फाइल। आपको सबसे पहले यहाँ पे अप लिख देना है एंड ओके पे क्लिक करना है। आपको अगेन यहाँ पे जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू एनिमेशन रिसोर्स फाइल डाउन। मैं अभी डाउन का क्लिक कर, अभी मैं डाउन का क्रिएट कर देता हूँ। अभी मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे हम अप एंड डाउन के जो भी एनिमेशन फाइल थी वो ओपन हो जाएगी। अभी हमें यहाँ पे कोड लिखना होगा। तो सबसे पहले कोड लिखने के लिए आपको अप डॉट एग्जाम्पल में जाना होगा, क्योंकि हम अप का है सबसे पहले लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे ट्रांसलेट लिखना होगा, यहाँ से एक सिंबल देना होगा एंड ट्रांसलेट, इसको आपको क्लोज करना होगा। एंड इसके बाद आपको अल्फा यहाँ को, यहाँ पे भी इसको क्लोज कर देना होगा। तो यहाँ पे हमें कोड लिखना है। तो कोड लिखने के लिए आपको यहाँ पे ड्यूरेशन सेट करनी होगी मिली सेकेंड में, बट यहाँ पे ड्यूरेशन सेट करने के लिए ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए आपको मैनुअल लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे मैनुअल लिख देता हूँ, एंड्रॉयड आपको यहाँ से चेंज करना है एंड एंड्रॉयड लिख देना है, सॉरी ड्यूरेशन आपको यहाँ से ड्यूरेशन लिख देना है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा ड्यूरेशन आ चुका है। आपको 3500 मिली सेकेंड दे देना है एंड इंटर करना है एंड अभी फ्रॉम एक्स डेल्टा लिख देना है। तो मैं फ्रॉम एक्स डेल्टा को सिलेक्ट कर देता हूँ सबसे पहले एंड यहाँ को एंड यहाँ पे आपको 0% दे देना है। तो मैंने यहाँ पे 0% दे दिया है। अभी आपको फ्रॉम वाई डेल्टा दे देना है। मैं फ्रॉम वाई डेल्टा माइनस 100% दे देता हूँ। आपको यहाँ पे साइन दे देना है परसेंट का। अभी आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है ट्रांसलेट के कोड में। अभी हमें अल्फा के कोड में आना होगा एंड यहाँ से भी आपको ड्यूरेशन सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ड्यूरेशन को एंड अल्फा में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको फ्रॉम अल्फा सिलेक्ट करना होगा, फ्रॉम अल्फा 0.1 एंड टू अल्फा 1.0। अभी हमारा कम्प्लीटली कोड हो चुका है ट्रांसलेट में एंड अल्फा में। तो अभी हमें सबसे पहले डाउन डॉट एग्जाम्पल में जाना होगा, क्योंकि अभी हमने एनिमेशन अप के लिए तो क्रिएट कर दिया बट अभी डाउन के लिए बाकी है। मैं डाउन पे चला जाता हूँ एंड इसके लिए भी मैं कोड क्रिएट कर देता हूँ। तो आपको ट्रांसलेट लिखना है एंड यहाँ से भी इसको क्लोज कर देना है। अगेन आपको यहाँ से अल्फा सिलेक्ट करना है एंड इसको भी क्लोज करना है। आपको ट्रांसलेट के नीचे कोड लिखना होगा ड्यूरेशन का। तो एंड्रॉयड आपको मैन्युअली लिखना होगा, तो मैन्युअली लिखने के लिए आपको ड्यूरेशन यहाँ पे लिख देना है। आपको यहाँ से 3500 मिली सेकेंड लिख देना है एंड एंटर करना है एंड फ्रॉम एक्स डेल्टा एंड फ्रॉम वाई डेल्टा। तो आप देख सकते हो मैंने फ्रॉम एक्स डेल्टा एंड फ्रॉम वाई डेल्टा सिलेक्ट कर दिया। आपको फ्रॉम एक्स डेल्टा में 0% लिख देना है एंड फ्रॉम वाई डेल्टा में आपको 100% लिख देना है। अभी हमारा ट्रांसलेट का जो भी कोड था कंप्लीटली हो चुका है। अभी हमें अल्फा पे आना होगा एंड अल्फा का कोड लिखना होगा। तो मैं यहाँ से आपको ड्यूरेशन सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इसको सिर्फ अगेन कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ, अल्फा के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड फ्रॉम अल्फा यहाँ से लिख देता हूँ 0.1%। बट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे परसेंट नहीं देना है, सिर्फ ट्रांसलेट में ही हमको परसेंट देना होता है।
अल्फा में हमें परसेंट नहीं देना होता है। एंड टू अल्फा में आपको क्या देना है, तो 1.0। तो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है डाउन डॉट एग्जाम्पल का एंड अप डॉट एग्जाम्पल का। बस इसमें डिफरेंस एक ही है, आपको यहाँ पे माइनस देखने के लिए मिलेगा एंड इसमें प्लस, क्योंकि जो इमेज होता है वो ऊपर से आता है एंड जो टेक्स्ट होता है वो नीचे से आता है। ओके, तो चलिए देखते हैं, अभी हम बढ़ते हैं डॉट जावा की तरफ, क्योंकि अभी हमारा एनिमेशन भी क्रिएट हो चुका है एंड एग्जाम्पल भी क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले हम जाते हैं डॉट जावा की तरफ। अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, जो भी हमने वेरिएबल यूज किए थे, हमने टेक्स्ट व्यू एंड इमेज व्यू को यूज किए थे। मैं सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ इमेज व्यू, इमेज व्यू एंड आपको अगेन टेक्स्ट व्यू एंड टेक्स्ट व्यू। तो मैं इसको अभी डिक्लेयर कर देता हूँ इमेज व्यू इज इक्वल टू इमेज व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट जो भी आपका नेम रहेगा स्प्लैश का, मीन्स जो भी इमेज का नेम रहेगा वो आपको दे देना है एप स्प्लैश एंड यहाँ से सेमी कॉलम से क्लोज करना है। सिमिलर टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू अगेन टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, आपको यहाँ से अगेन सिलेक्ट करना है जो भी टेक्स्ट का आईडी है ऐप नेम। अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशन को यूज करना है, बट एनिमेशन यूज करने से पहले हम हैंडलर लगा देते हैं, तो हम हैंडलर का यूज कर देते हैं न्यू, आपको ध्यान में रखना है स्मॉल न्यू यूज करना है एंड न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले न्यू रनेबल। जैसे हम रनेबल लिखने वाले होते हैं तो आपके सामने कुछ कोड ओपन हो जाएगा, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है एंड एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कोड यहाँ पे रिटर्न हो चुका है, बट आपको यहाँ पे एरर शो हो जाएगा, तो आपको यहाँ से इसको कॉमा दे देना है एंड इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। एंड जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें आपको ड्यूरेशन दे देनी है, स्प्लैश स्क्रीन की ड्यूरेशन कितने टाइम तक रहेगी, तो मैं 3500 मिलीसेकंड लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आ चुका है मिलीसेकंड करके। अभी हमारा कंप्यूटिव वर्क हो चुका है, बट यहाँ पे आपको रन में कोड लिख देना है जिस एक्टिविटी में आप रिडायरेक्ट हो गए। जैसे आपको स्प्लैश स्क्रीन से मेन एक्टिविटी में आपको रिडायरेक्ट होना है, तो आपको यहाँ पे कोड लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी न्यू ऑप इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा मेन एक्टिविटी। ओके, क्योंकि हमें मेन एक्टिविटी में रिडायरेक्ट होना है, इसलिए आपको यहाँ से मेन एक्टिविटी को चूज करना है डॉट क्लास। अभी आपको नीचे फिनिश पे कर देना है। अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है, अभी हमारा स्प्लैश स्क्रीन रन तो होगा बट एनिमेशन नहीं दिखेगा। तो एनिमेशन दिखने के लिए आपको यहाँ पे एनिमेशन डिक्लेयर करना है, जो भी हमने एनिमेशन क्रिएट किए थे अप एंड डाउन का, एनिमेशन अप कॉमा डाउन एंड यहाँ से आपको सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। अभी हम सबसे पहले इमेज व्यू के लिए यूज करने वाले हैं, तो इमेज व्यू के लिए हम अप एनिमेशन का यूज करेंगे। तो आपको अप दे देना है यहाँ से, अप इज इक्वल टू एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा आर डॉट एनिम डॉट डाउन। सॉरी, आपको यहाँ से अप यूज करना है, डाउन का यूज नहीं करना है, क्योंकि इमेज व्यू में अप ही का यूज होगा अप एनिमेशन का। इसको सेमी कॉलम से मैं क्लोज कर देता हूँ एंड इमेज व्यू जो भी यहाँ पे हमारा था वेरिएबल, मैं इसको यूज कर देता हूँ इमेज व्यू डॉट सेट एनिमेशन।
सेट एनिमेशन में आपको अप प्रोवाइड कर देना है। ओके, सिमिलर आपको अभी टेक्स्ट व्यू में यूज करना है। टेक्स्ट व्यू में आपको डाउन का यूज करना है, डाउन एनिमेशन का। डाउन इज इक्वल टू एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन, एंड सेम आपको जो ऊपर हमने यूज किए थे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, हमको यहाँ भी यूज करना है गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा आर डॉट एनिम डॉट डाउन, एंड यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। आपको अगेन आपको टेक्स्ट व्यू में जो डॉट सेट एनिमेशन डाउन लिख देना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से टेक्स्ट व्यू डॉट सेट एनिमेशन डाउन। अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है जो भी था, बट हमें जो एक्शन बार दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन में। तो स्प्लैश स्क्रीन में आपको एक्शन बार दिखाई देगा ब्लू कलर का, तो आपको इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले हम चले जाते हैं, एंड यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। शो लेआउट, हाँ शो सिस्टम यूआई, तो आप देख सकते हो जैसे हम शो सिस्टम यूआई पे क्लिक करेंगे हमारा स्प्लैश स्क्रीन ऐसा दिखेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले वैल्यूज में जाना है, एंड स्टाइल डॉट एग्जाम्पल पे क्लिक करना है, एंड जो डार्क एक्शन बार दिखाई दे रहा है इसको नो एक्शन बार क्लिक कर देना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ नो एक्शन बार, एंड आपको यहाँ से कलर प्राइमरी एंड कलर प्राइमरी डार्क का कलर चेंज करना है। तो मैं कलर डॉट एग्जाम्पल में चला जाता हूँ, एंड यहाँ से मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ से कलर चेंज कर दिया। इसको अगेन हम कॉपी करेंगे एंड डार्क में यूज कर देंगे। अभी हमारा स्प्लैश स्क्रीन का काम अभी कम्प्लीटली ओके हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारा जो भी टूल बार था वो भी अभी रिमूव हो चुका है। अभी हम इस प्रोजेक्ट के साथ हम मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट करके बताता हूँ एंड इस ऐप को रन करके बताता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मोबाइल डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। अभी हमें सबसे पहले रन ऐप पे क्लिक करना है क्योंकि अभी हमारे मोबाइल डिवाइस में इसको रन करना है। ओके, तो मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमें ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है, एंड थोड़ी देर में हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल सक्सेसफुल इन 5 सेकेंड। तो आप देख सकते हो अभी हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप रन हो चुका है। आप देख सकते हो स्प्लैश स्क्रीन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, एंड जो सेकेंड एक्टिविटी थी मेन एक्टिविटी डॉट जावा, हमारा यहाँ हमारे सामने हेलो वर्ल्ड का पेज ओपन हो चुका है। अगर मैं आपको रन करके बताता हूँ स्प्लैश स्क्रीन को, तो आप देख सकते हो स्प्लैश स्क्रीन कितना मस्त दिख रही है। तो इस तरीके से आप स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं मेन एक्टिविटी में कोड करने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ हमारा ऐप कैसा विजिबल हो जाएगा। सबसे पहले हमारा स्प्लैश स्क्रीन विजिबल होगा। तो जैसे स्प्लैश स्क्रीन हमने अभी क्रिएट कर दी, इसके बाद हम इस एक्टिविटी को नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, क्योंकि हमें इस एक्टिविटी में इनको क्रिएट करना है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।